सो हे गाइस, कैसे हो सारे दोस्तों? फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ वीडियो एडिटर को ढूंढ रहे हो जो आपके लैपटॉप में बहुत ही अच्छे से वर्क करें, देखिए मार्केट में बहुत सारे वीडियो एडिटर ऐप्स हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर से वो मतलब पर वो बहुत से लैपटॉप में मतलब या फिर पीसी में आप कह सकते हो मतलब काम नहीं करते, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़्यादा स्पेसिफिकेशन चाहिए, जैसे ज़्यादा रैम या फिर ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर। तो आज मैं आपको ऐसे वीडियो एडिटर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि किसी भी पीसी में बहुत ही अच्छे से रन कर सकता है, चाहे आपके पीसी के कम स्पेक्स हो तो भी बहुत ही स्मूथली है जो वीडियो एडिटर वर्क करेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं टून्स किट की तरफ से एस मूवी के बारे में। तो इसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, उधर आप जैसे क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं, इधर आपको लिखा हुआ है एस मूवी, तो इधर से आप ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहे तो इसको फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसको परचेस भी कर सकते हो। तो ये मैक और विंडोज़ दोनों के लिए भी है, तो मेरा भी विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने जो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है तो मैं इसको आपको ओपन करके बताता हूँ कि कैसे कि इसको यूज़ कर सकते हो और कैसे बहुत ही सिंपल है ये वीडियो एडिटर। तो हमारा जो एस मूवी है वो ओपन हो रहा है। सो गाइस, अब जैसे कि देख सकते हो हमारा वीडियो एडिटर जो ओपन हो चुका है। तो आपको कोई मतलब एडिटिंग करने के लिए पहले वीडियो के इधर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि एडिटिंग, एक्सपोर्ट। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ़ोटो या फिर वीडियो को कोई भी एडिटिंग करनी है आपको इधर से इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं कोई भी वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। सो गाइस, अब देख सकते हो मैंने जो एक वीडियो और एक फ़ोटो को ऐड किया है। तो सिंपली आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इधर से, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आप इसको आपको जो रेजोल्यूशन चाहिए आप उसके हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको इसको फ़ोटो को भी ऐड करके दिखाता हूँ, तो आप इधर से फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो। और इधर आपको बहुत सारे लेयर के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आप इधर जैसे वो स्टिकर होते हैं वो भी ऐड कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे स्टिकर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, आपको जो चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम अभी इस जो क्रिसमस वाला जो है ये आइकन, इसको हम डाउनलोड करते हैं और इसको आप वन क्लिक में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वन क्लिक में बहुत ही अच्छे से ऐड कर लिया है। आप चाहे तो अपने वीडियो के ऊपर भी इसको ला सकते हो, तो हम इसको ऊपर लाते हैं। तो इधर आप देख सकते हो हमारे वीडियो के ऊपर ये जो स्टिकर है जो ऐड हो चुका है। आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हो, आपको बहुत सारे वेराइटीज़ मिल जाएंगे इधर स्टिकर और बहुत ही अमेजिंग बैकग्राउंड्स। तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के लिए ये वाला बैकग्राउंड को ऐड किया हुआ है, आप दूसरा कोई भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं इधर ऑडियो इफेक्ट में, आपको इधर बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूज़िक मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। और आप चाहे तो साउंड इफेक्ट भी आप इधर से ले सकते हो, जो कि इस तरफ है जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है और इस तरफ है जो साउंड इफेक्ट्स है। तो साउंड इफेक्ट में आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमें वो प्ले कर देख सकते हो आप बहुत सारे देख सकते हो बहुत सारे आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स भी हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आपको जो टेक्स्ट के आप डिज़ाइन है वो भी बहुत सारे हैं। आप इधर देख सकते हो इतने सारे वेराइटीज़ है, आप इंट्रो भी बना सकते हो बहुत ही अच्छा। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाने के लिए ए वाला टेक्स्ट को ऐड करता हूँ, इधर से हम ऐड करते हैं। इधर जो डिज़ाइन और टाइटल करके नाम, इधर आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, जैसे मैं इधर डालता हूँ ब्लॉगर। और इसी तरह से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, यूट्यूबर आप इसको चाहे तो रोटेट भी कर सकते हो, इसका साइज इधर से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। और इसमें आपको मतलब ट्रांजिशन ऐड करना तो आप इधर से एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये वाला। इधर आप देख सकते हो इधर बहुत सारे इफेक्ट्स है, इस तरह के आप एडिटिंग कर सकते हो। जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ और जैसे इसको प्ले करूँगा अब ओरिजिनल वीडियो है, इसके ऊपर आप फिल्टर लगाना चाहते हो तो इधर से फिल्टर बहुत इजीली लगा सकते हो। तो हम इधर इसको पॉज करते हैं पहले वीडियो को और एग्जांपल क्या मतलब ये वाला फिल्टर को जो ऐड करते हैं।
इधर से आप देख सकते हैं मैंने जो फिल्टर लगाया है थोड़ा बहुत मतलब कलर में इफेक्ट दिखेगा, तो आपको इसमें बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे, आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। इसके बाद आपको बहुत सारे ट्रांसिशन मिल जाएंगे, जैसे आपके दो वीडियो है या फिर दो फोटोज है उसके बीच में ट्रांसिशन लगाना है तो इसको आप इसको चूज कर सकते हो, लगा सकते हो। आप देख सकते हो अभी जैसे कि उसको हम प्ले करेंगे, इसको पहले मैं निकाल देता हूँ इधर से, डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो मतलब कितने अच्छे से तो एंडिंग हुआ, देख आप देख सकते हैं इधर से कैसे भी क्लोज होगा। तो इसी तरह वाइप अप का इस वाला ट्रांजेक्शन को ऐड करता हूँ और इधर से वापस प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट डाल सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसमें आपको दोस्तों बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, आप देख सकते कुल। थोड़ा शार्प नहीं करना, स्मूथ करना, जैसा होता है ना जैसे हम कुछ भी एडिटिंग करते हैं हम उसको किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो उसको ब्लर भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक ब्लर ब्लर ऐड करके। तो इधर आप देख सकते हो हमारा वीडियो जो नॉर्मल है और जो ब्लर अमाउंट उसको हम ज़्यादा कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा बीच वाला हिस्सा जो ब्लर हो चुका है, अगर आप अपने हिसाब से इसको ब्लर कर सकते हो, आप जितना ब्लर करना चाहो उतना देख सकते हो, आपको जितना पार्ट ब्लर करना है आपको उतना ही कर सकते हो। आपको मतलब पता ही होगा ये मतलब सब नॉर्मल चीज़ें जो वीडियो एडिटर में सभी वीडियो एडिटर में मिल जाती है, पर इस वीडियो की वीडियो एडिटर की जो खासियत है मतलब ये किसी भी पीसी में बहुत ही स्मूथली चल सकता है, चाहे आपके कितने भी लो स्पेक्स क्यों ना हो, बहुत ही मतलब लाइट वीडियो एडिटर आप इसे कह सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको इधर ट्रैक मिल जाता है, मतलब जो लेयर से आप कितना भी अनलिमिटेड लेयर ऐड कर सकते हो आपकी जितनी मर्जी। आपको पता होगा किसी किसी में मतलब लिमिटेशन होती है किसी किसी वीडियो एडिटर में कि आप इतने लेयर ऐड कर सकते हो, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें अनलिमिटेड लेयर ऐड कर सकते हो। और इधर से आप जूम इन जूम आउट अपने जो लेयर से उसको आप कर सकते हो कि आप कितना बड़ा रखना है कितना छोटा। इसके बाद अगर आपने जो वीडियो रखा है उसका आपको कोई थंबनेल बनाना है या फिर इसको आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो आप इधर से डायरेक्टली ले सकते हो। इधर आपको फोटो का ऑप्शन दिया है तो आप इसको जैसे करेगा आपका आप देख सकते हो आपका स्नैपशॉट जो इधर आ जाएगा, आप उसको भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हैं मैंने इसे डायरेक्टली ऐड किया है, ये देखिए वीडियो नहीं है फोटो जब भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, इधर से आप डायरेक्टली कर सकते हो। और दोस्तों इसकी एक और खास बात, आप इधर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, तो दोस्तों आपको इस इनबिल्ट आपको स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है इसी वीडियो एडिटर में, तो आपको कोई एक्सटर्नल इसके बाद आप मतलब वीडियो एडिटर रखने की ज़रूरत नहीं है। इधर आप देख सकते हैं इसमें जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हो, क्वालिटी आप इसमें बहुत सारी है, देखिए 1920 तक है इसकी क्वालिटी, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आपको वेबकैम है तो वेबकैम भी आप शुरू कर सकते हो, ऑडियो आपको कौन सा रखना है सिस्टम का या फिर इंटरनल या फिर माइक्रोफोन आप कोई भी रख सकते हो, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको कौन सा करना है आप इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको धीरे धीरे आराम से देख सकते हो। और दोस्तों मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी इसको इनबिल जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो हमको दो दो सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अगर आपको सेटिंग कुछ भी करनी है तो इसमें जो इसको हाइड करना तो आप इसको हाइड कर सकते हो। बाकी इसमें दोस्तों आपको सभी जो मतलब वीडियो एडिटिंग के टूल मिल जाएंगे, जो आपको नॉर्मल वीडियो एडिटर में जो आपकी नीड्स होगी आपको सभी इसमें मिल जाएंगे, तो आप बहुत इजीली एडिटिंग कर सकते हो। इधर से आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इधर से एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने वीडियो को। वैसे कोई मतलब ट्यूटोरियल नहीं था इसका, सिंपल सा एक रिव्यू था। आप कोई भी वीडियो एडिटर यूज़ करते हो उसका जैसा सेम टू सेम है, मतलब उसी टाइप में एडिटिंग कर सकते हो, पर इसका जो खास बात है वो मतलब किसी भी पीसी में स्मूथली चल सकता है ये, इसलिए इसी को आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको मतलब नीड है वीडियो एडिटिंग के लिए। इधर से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को, तो मैं इधर से सेव कर लेता हूँ। आप सेव करते हुए अपनी क्वालिटी मतलब चेंज कर सकते हो, आपको कितनी क्वालिटी चाहिए, आपको कितने वो बिट रेट चाहिए या फिर कितने फ्रेम पर सेकंड की जो एक्सपोर्ट रेट चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और इसकी एक्सपोर्ट स्पीड भी बहुत ही अच्छी है, एक्सपोर्ट बहुत इजीली कर सकते हो। और इसमें आपको बहुत सारे वो भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आपको वीडियो को कौन सा मोड में रखना है, 4K वीडियो मई हो भी या फिर ज़्यादातर हम सब लोग MP4 में रखते हैं तो आप इसमें रखें। और इसमें आपको मतलब अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे बिट रेट या फिर आपको कितने क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना है वो, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो गाइस जब भी मतलब मैं जो अभी फ्री ट्रायल का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इसको भी एक्सपोर्ट करूँगा, तो इसका जो वाटरमार्क है कंपनी का वो आएगा, तो अगर आपको वाटरमार्क नहीं लगाना था उसको आपको बाई करना पड़ेगा जो इसका प्रीमियम वर्जन है उसको, तो उसको बाई करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दिया है
उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप इधर आ जाएंगे। तो गाइस आप हमारा ये जो कूपन कोड आप यूज़ करेगा तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसको आप ज़रूर यूज़ करें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका कूपन कोड दे दिया है, उसको एक बार ज़रूर यूज़ करें तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतने सिंपल सा एक रिव्यू था इसका। अगर आपको इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल चाहिए तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, आप उसको देख के एडिटिंग कर सकते हो। पर ये मतलब बहुत ही सिंपल वीडियो एडिटर है, आप कैसे भी एडिटिंग कर सकते हो। मतलब आपने अगर इससे पहले कोई भी वीडियो एडिटर यूज़ किया हो तो उसके जैसे ये सेम टू सेम। तो जैसा कि आपको बताया, मतलब ये पहले भी मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, तो कि ये मतलब जो लो स्पेक्स के जो मतलब लैपटॉप होते हैं पीसी, उसमें जो मतलब बड़े बड़े जो एडिटर होते हैं वो मतलब लैग करते हैं, या फिर चलते चलते मतलब रुक जाते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। तो इस वीडियो एडिटर में वो प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही अच्छा चल जाता है। तो इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।